नमस्कार, मैं हूं तुषार खंडकर और टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन पर इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन हारा, कौन जीता और कौन मेडल के लिए अभी भी पूरे जोर लगाए हुए है, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। बॉक्सिंग में भारत सिर्फ एक कदम दूर है मेडल के और पुरुष हॉकी टीम पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल के करीब। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में वुमेन्स वेल्टर वेट कैटेगरी में जर्मनी की नेदीना को 3-2 से हरा दिया है। दो बार विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी लवलीना असम की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है और ये बड़े गर्व की बात है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल ए के तीसरे मुकाबले में स्पेन को 3-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की। मैच में रुपिंदर पाल ने 2 गोल किए और 1 गोल सिमरनजीत सिंह ने दागा। साथ ही भारत पेट्रोलियम परिवार के खिलाड़ी वीरेंद्र लाकरा के लिए आज का दिन बहुत खास और गर्व का था। उन्होंने भारत के लिए अपने करियर का 200वां मैच खेला। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड में मनु बाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी पहले राउंड में टॉप पर रही लेकिन दूसरे राउंड में 7वें स्थान पर आई और क्वालिफाई नहीं कर पाए। टेबल टेनिस में मेडल के मजबूत दावेदार माने जा रहे शरद कमल भी मेंस सिंगल के राउंड 3 में चीन के मा लोंग से 1-4 से हार गए। बैडमिंटन में चिराग और सात्विक की जोड़ी ने ग्रेट ब्रिटेन की बेन और सीन की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हरा दिया। उन्होंने मैच तो जीता लेकिन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में असफल रहे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में आज के दिन भारत ने कुल 9 स्पोर्टिंग इवेंट्स में भाग लिया। आगे की ओलंपिक कवरेज के लिए हम मिलेंगे कल फिर। नमस्कार। जीत का पदक।